आपने दोपहर से पानी पिया है? मैं कुछ नहीं पिया हूँ, ना भोग है और मैं कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ। मुझे कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि मेरे साथ का लड़का आज इस दुनिया में नहीं रहा। नमस्कार, मैं दीपक कार्की और अभी आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहाँ पे राव IAS इंस्टीट्यूट में शनिवार को हादसा हुआ था। और आप लोगों को पता ही है कि करीब 3 दिन पूरे हो चुके हैं और आज चौथा दिन है और रात भी हो चुकी है, और इस जो घटना हुई थी उस दिन को 4 दिन हो चुके हैं। और आज ही यहाँ पे कुछ छात्रों ने ड्राई हंगर स्ट्राइक का भी ऐलान किया था 2:00-3:00। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी, अपना नाम? हिमांशु दुबे। और आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे मुझे करीब 1.5 साल हो गया। अभी आप हंगर स्ट्राइक पे हैं और आपके कितने दोस्त और लोग हैं आपके साथ? हंगर स्ट्राइक जो चल रही है ना, वो एस्पिरेंट्स कम कर रहे हैं, और जो बाहर के कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन वाले हैं, जैसे ABVP, NSUI और लेफ्ट विंग वाले, वो लोग आके ज़्यादा मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग तो पीसफुली वहाँ पे, आप देख रहे होंगे वहाँ पे जो चल रही है गैदरिंग, हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं मतलब मेन। यहाँ पे तो स्टूडेंट यूनियन वाले ज़्यादा बैठे पीछे की तरफ, तो वो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग के बिहाफ पे। आप लोगों के भी यहाँ पे, तो अभी आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए इधर पे, क्या क्या मांगे हैं आप? बात ये है ना कि 4 पॉइंट्स मेरे पास, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने, जैसे कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए आप कोचिंग का, आप फीस आपको आप पता लगाएंगे तो हर कोचिंग की फीस लमसम 1 से 1.5 लाख के बीच में GS की। तो ये लोग अरबों रुपये कमा रहे हैं सालाना, सालाना का कमाई इनकी देखी जाए तो अरबों रुपये में हो रही है, कई 100 करोड़ लोग हर साल छाप रहे हैं। तो वी वॉन्ट कि जितने लोग यहाँ पे डिसीज्ड हुए, पहली बात तो नंबर ये लोग छुपा रहे हैं, बता रहे हैं 3-4 मले हैं 10-12, तो एक ही कवर में 3-4 बॉडियाँ निकाल के लोगों ने रफा दफा किया है मामला। तो मतलब ऐसे कोई जानकारी मिली है कि जैसे कि कोई किसी का रूममेट हो उसको बोले कि यार मेरा रूममेट नहीं आया, ऐसा कुछ है, या मतलब किस आधार पे कह रहे हैं आप? नहीं, मैं वो बात कह रहा हूँ क्योंकि उस रात को मैं यहाँ आया था, जिस तरह पानी यहाँ निकल रहा था, वो शायद मैंने अपनी आँख से देखा था, एक ही मतलब कपड़े में 3 बॉडी निकाल के निकाली जा रही थी ऐसे करके। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 3-4 निकला है, तो इसका मतलब करीब 10 से 12 बॉडियाँ निकली थी। और ये आंकड़ा जा रहा है सिर्फ 3-4, ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है जी। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? कारण ये है कि कोई रकस ना क्रिएट हो, लोग भड़क ना जाए, क्योंकि 3-4 तो मतलब ठीक है, जाने तो जाने होती, चाहे 1 जाए, चाहे 3-4 जाए, चाहे 10 जाए, लेकिन 3-4 के मुकाबले जहाँ 10-12 का न्यूज़ आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा एक वैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा ना। तो इस माहौल को ताकि बिगड़े ना, सौहार्द ना बिगड़े यहाँ पे, कुछ एंगर मतलब लोग अंदर ना आ जाए, कोई भड़क के कोई बैलेंस ना हो जाए, इसलिए खबर को दबाया गया है। मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं दृष्टि IAS में ही हूँ। अच्छा, अभी आप हंगर स्ट्राइक पे हैं? हाँ जी, हंगर स्ट्राइक पे ही हूँ, क्योंकि मेरे साथ का ही एक लड़का था जो जिसकी मौत हो चुकी है। अभी मैं 4 दिन पहले उस लड़के से मिला था, अभी जिस दिन मौत हुई, जिस दिन की घटना, उससे 2 दिन पहले मैं उससे मिला था। तो बल्कि उसने बोला था कि भाई मैं मिलूँगा तुझसे एक बार फ्री होके। मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिलेंगे, और घर जाना था हमें इस चक्कर में। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसी घटना कर देगी, और प्रशासन लापरवाह है इनको, जबकि 1 महीने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था कि ऐसी दिक्कत है बेसमेंट के। हम फिलहाल अभी हंगर स्ट्राइक पे लौटेंगे, आपकी जो हंगर स्ट्राइक है वो कब तक रहेगी, क्या क्या? जब तक ये लोग नहीं मानेंगे तब तक हमारी हंगर स्ट्राइक रहेगी, पूरी रात रहेगी। चाहे प्रशासन का कोई व्यक्ति, हमारे पास प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आया, ना MCD का अधिकारी कमिश्नर आया, ना यहाँ की मेयर आई, ना पार्षद आया, कोई भी आया ना इंस्टीट्यूट से कोई आया हमारे वो करने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं और जो इसमें घटना घटी है उस पर जाँच करेंगे। कोई जाँच नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इसमें जिम्मेदार नहीं है। साफ उन्होंने कह दिया कि हम इसमें जिम्मेदार नहीं है, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, और जितनी मौत हुई हैं वो कह रहे हैं कि किसी और की वजह से हुई हैं। तो मैं बस इतना प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और इस पे जो भी दोषी पाए जाए उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। आपने दोपहर से पानी पिया है? मैं कुछ नहीं पिया हूँ, ना भोग है, और मैं कुछ खाने के मूड में नहीं हूँ। मुझे कुछ भी मन नहीं कर रहा खाने का, क्योंकि मेरे साथ का लड़का आज इस दुनिया में नहीं रहा। जो जिस लड़के को मैं बचपन से जानता हूँ, आज से वो लड़का मेरे पास नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।